निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर पुलिस ने नर्स के सनसनीखेज हत्या का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से मुख्य आरोपी के मृतका नर्स से अवैध संबंध थे। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि महिला पैसे के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिसके चलते पहले कार से टक्कर मारी, फिर डंडे से वार कर हत्या को अंजाम दिया। अवैध संबंध में आयुष विभाग की नर्स की हत्या। पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। ब्लैकमेल करने पर हत्या को दिया था अंजाम। पहले कार से टक्कर मारी, फिर डंडों से किया वार। पृथ्वीपुर में 7 फरवरी को आयुष विभाग में पदस्थ नर्स की हत्या के मामले में गुरुवार को पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना के बाद महिला के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि घटना वाली सुबह करीब 4 बजे महिला घर से निकली थी। इसके बाद दूसरे सीसीटीवी फुटेज में एक कार घटनास्थल की ओर जाती दिखाई दी। कार के नंबर के आधार पर आरोपियों से पूछताछ की गई। इस दौरान मुख्य आरोपी अनिल चतुर्वेदी ने कबूल किया कि उसके महिला के साथ अवैध संबंध थे और महिला उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इससे परेशान होकर उसने महिला को घर से बाहर बुलाया और कार से टक्कर मार दी। इसके बाद डंडे से उसके सर पर कई प्रहार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 7 फरवरी को पृथ्वीपुर क्षेत्र में एक महिला की डेड बॉडी यहाँ पर मिली थी। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तत्काल हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मामला गंभीर था और पृथ्वीपुर शहर का मामला था। उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर SDOP और थाना प्रभारियों की एक टीम बनाई थी। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और आवश्यक दिशा निर्देश टीम को दिए गए थे। लगातार हम लोगों ने CCTV फुटेज, साइबर सेल की मदद से उस हत्याकांड में लिप्त दो आरोपियों को पकड़ लिया है। अनिल चतुर्वेदी और रोहित यादव, ये दोनों पकड़े गए हैं। और जिस हत्याकांड में इन्होंने अल्टो कार का इस्तेमाल किया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो सर क्या लग रहा है, प्री प्लान मर्डर? निश्चित रूप से, क्योंकि अनिल चतुर्वेदी के जो ANM थी, नर्स थी, इनके साथ संबंध थे और वो कहीं ना कहीं उनको पैसे देते रहे हैं और लगातार इसी से छुप धोके इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ब्लैकमेलिंग तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ उसको, लेकिन ये जरूर था कि कहीं ना कहीं उनके संबंध थे, उससे पैसे की मांग की जा रही थी और फाइनेंशियली अनिल चतुर्वेदी इतने सक्षम नहीं थे, तो उससे दुखी होकर कहीं ना कहीं इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सर किस तरीके से हत्या की? इसमें इन्होंने अपने साथी रोहित यादव के साथ अल्टो कार में बैठ के सवेरे 4 बजे इस महिला को बुलाया था और जब वो अपने घर से बाहर निकल के आई तो पहले उसको टक्कर मारी और उसके बाद एक डंडे से उसके सिर पर घातक प्रहार किए, जिसके चलते उसकी हत्या हो गई। कैसे पुलिस अंजाम तक पहुंची, कैसे आरोपी? मैंने आपको बताया कि CCTV हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क और साइबर सेल की मदद से हमने सारी चीज डिटेक्ट करी है। आपको बता दें कि पृथ्वीपुर ब्लॉक के जेरोन में आयुष विभाग में पदस्थ महिला नर्स का शव 7 फरवरी को कृषि मंडी के सामने सड़क किनारे पड़ा मिला। घटनास्थल पर महिला का मोबाइल, चश्मा और चप्पल भी पड़ी मिली थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। फिलहाल नर्स के अंधे कत्ल का खुलासा कर पुलिस ने राहत की सांस ली। वहीं अवैध संबंध को लेकर की गई हत्या क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पृथ्वीपुर से प्रशांत रजक की रिपोर्ट।